बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आई एम डॉक्टर नमरा एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट आइडियलिज्म। डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट, टाइप ऑफ आइडियलिज्म, थेरीज, मूवमेंट इन फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। अ फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन एम्फसाइजिंग माइंड और स्पिरिट एज अ प्री एमिटमेंट फीचर्स ऑफ लाइफ, कॉन्ट्रास्ट विद मटेरियलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म इज एम्प्लॉयड इन फिलोसफी, द मेंटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस इज फाउंडेशनल टू ऑल साइंस एंड फॉर ऑल मैटर ऑल नॉलेज। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू नो एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस। दस द मेंटल वर्क एक्सपीरियंस अवेयरनेस कॉन्शियसनेस हैज़ प्रायोरिटी। इट इज़ द ओनली वर्ड टू विच वी हैव इमीजिएट एक्सेस। ठीक है, जो चीज़ें हम परसीव करते हैं विद आवर एक्सपीरियंस, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हुए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके बारे में एक्सपीरियंस गेन करती हैं। इसके अलावा हम अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे सीखते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। तो ये सब जो है वो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट और स्कूल ऑफ थॉट है। फॉर द आइडियलिस्ट, साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। An idealist would argue that all sciences begins with experience and is about experience. Thus, it is the mind or the mental world that has ontological status. The material world is a construction, a mere byproduct of a more important reality. Many of the key figures in the history of psychology has identified with idealism. Examples include Socrates, Plato, Augustine, Immanuel Kant, George बेकरले एंड जॉर्ज विलियम हेगल। ठीक है, ये जो है इसके प्रोपोनेंट हैं आइडियलिस्ट के। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म थेरीज की हम बात करें तो इसमें दो तरह की टाइप्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, कंसीडर्स द प्राइमरी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड बिलीव्स दैट द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेशन। ठीक है, तो मतलब अपने सेंसेस को बुरे कार्ड ला के जो हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस, वही जो है वो कहते हैं कि यही रियलिटी है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ऑब्जेक्टिविटी में वो ये कहते हैं कि कंसीडर्स द प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस विच एग्जिस्ट बिफोर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन वंस। ठीक है, इसमें आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी की भी बात करते हैं कि हम एक पर्सनल ह्यूमन बींग क्या एक्सपीरियंस करते हैं इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअल लेवल पर वो क्या सीखता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर। मूवमेंट्स इन फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और इसमें क्रिटिक आ जाता है। इसलिए थ्री इसे कैटेगराइजेशन की गई है डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म की। प्लेटोनिक आइडियलिज्म है, रिलीजियस आइडियलिज्म है और मॉडर्न आइडियलिज्म है। प्लेटोनिक आइडियलिज्म को प्लेटो ने सबसे पहले उनकी बुनियाद रखी थी। पीपल शुड कंसर्न देमसेल्व्स इन सर्चिंग फॉर ट्रूथ, इंपॉर्टेंस इन यूज ऑफ डायलेक्टिकल और क्रिटिकल डिसीजंस। टू वर्ड्स, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, फॉर्म्स एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर, यानी एवर चेंजिंग। पीपल डू नॉट क्रिएट नॉलेज बट रदर दे डिस्कवर इट। तो ये प्लेटो की लेगेसी थी। रिलीजियस आइडियलिज्म में आइडियलिज्म हैज एक्सर्टेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजन। रिलीजन का उनके साथ जो ताल्लुक है वो कहते हैं गॉड एज यूनिवर्सल गुड। आइडियलिज्म में ट्रूथ है एज यूनिवर्सल गुड। ठीक है, तो ट्रूथ की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करती हैं और उन चीज़ों को कहते हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जिनको हम मैयर कर सकते हैं या हम पहचान सकते हैं, वो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं और ट्रूथ पे बेस करती हैं। रिलीजियस आइडियलिज्म की बुनियाद जिसने रखी उनमें जो फर्स्ट प्रोपोनेंट नेम है वो है ऑगस्टाइन का है। ही बिलीव दैट द सेंसेस वर अनरिलायबल एंड दैट बिलीव इन गॉड रेस्ट अल्टीमेटली ऑन फेथ। We must first believe in order that we may know. He believed that God already created knowledge and people can discover through trying to find the God. Learning must come from within and all true knowledge comes from God. ठीक है, तो उनका कहना था, उसका बिलीव था कि जो लोग सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो वो नॉलेज अल्लाह की तलाश में उनको जो है वो ट्रूथ तक और ट्रूथ नॉलेज को भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही नॉलेज को कायनात को क्रिएट किया था और वही क्रिएचर है। तो इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने नॉलेज को क्रिएट नहीं किया बल्कि उसने डिस्कवर किया है, और ट्रूथ नॉलेज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान तक पहुँचा था। उसका बिलीव था कि हम बिलीव करते हैं कि मतलब कि हम क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में इंसान तजस्स करता है, फिर वो ज़िंदगी के फलसफे को समझता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। ठीक है,
मॉडर्नलिज्म आइडियलिज्म की हम बात करते हैं तो ऑल एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम माइंड टू नो इट, इफ नो माइंड एग्जिस्ट देन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज नथिंग अनलेस इट इज परसीव्ड बाय द माइंड ऑफ गॉड। फिलोसॉफिकल रियलिज्म में दैट मटीरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, हिज मेन पर्पज इज टू मेक एविडेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड टू प्रूव दैट गॉड इज द ट्रू कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, तो मॉडर्नलिज्म में ये कहते हैं कि फिलोसॉफिकल रियलिस्टिक को देखते हैं कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, उसकी इंडिपेंडेंसी को देखते हैं कि ह्यूमन बींग क्या परसीव करता है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, जब हम उसको एविडेंस के साथ जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टेंस वर्ल्ड को, गॉड को और ट्रूथ को, तो फिर जो है वो हम उसके साथ वो चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सब चीज़ें जो है वो हम हमारा जो माइंड किस तरह से परसीव करते हैं चीज़ों को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, और ये पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो नथिंग एग्जिस्ट अनलेस इट इज़ परसीव्ड, मतलब कि जब कुछ परसीव ही नहीं करेंगे, सोचे समझेंगे नहीं, तो हम अकल शौर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। तो मॉडर्नलिज्म में जो है वो ये चीज़ों को ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म है मैथड ऑफ टीचिंग है, एजुकेशन में करिकुलम है, रोल ऑफ टीचर है। एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म में सर्च फॉर ट्रूथ सबसे इनका हाइएस्ट एम है, और फिलोसॉफिकल विजडम और द कंसेप्शन ऑफ ट्रू आइडियाज इज द हाइएस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन। सेल्फलाइजेशन है जिसके अंदर अल्टीमेट एम। आइडियलिज्म हैज एक्सर्टेड सो मच इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल व्यूज अबाउट इंडिविजुअल माइंड एंड सेल्फ, और करेक्टर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसका भी एम है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल की जो करेक्टर बिल्डिंग करना है। मैनी आइडियलिस्ट आर कंसर्न विद द मॉरल करेक्टर्स एज एन आउट ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड थ्रू आउट थाटफुल एक्शंस। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग की हम बात करें तो इसमें डायलेक्टिकल है जो प्लेटन से पहले इंट्रोड्यूस किया था, क्वेश्चन आंसर टेक्निक है, डायलेक्टिकल अप्रोच है, इंट्यूसिव अप्रोच है, ग्रेट बुक्स एंड के मॉडर्न आइडियलिस्ट के इसके अलावा लेक्चर मेथड है, अदर आइडियलिस्ट मेथडोलॉजी है, प्रोजेक्ट है, सप्लीमेंटल है, एक्टिविटीज़ है, लाइब्रेरी सर्च एंड आर्ट वर्क, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें रीडिंग, ओरल और ट्रेडिशनल तीन तरह के कंपोनेंट हैं। रीडिंग में हॉली बुक्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, ओरल मेथड में लेक्चर है, डिस्कशन है, डायलॉग है, ट्रेडिशनल मेथड में है श्रवाना है, मनावा है, ये तो ओल्डेस्ट उनकी ट्रेडिशन थी, उनके नेम्स हैं। ठीक है, निधियासाना। ठीक है, करिकुलम की हम बात करें तो करिकुलम इसमें है टीचर स्टूडेंट्स टू थिंक। आइडियलिस्ट थिंक दैट ह्यूमंस कैन बिकम मोर नोबल एंड रैशनल बाय डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक। एजुकेशनल मटीरियल्स लाइक रीडिंग मटीरियल्स, टीचर शुड एनकरेज एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर करिकुलम मटीरियल्स फॉर आइडियलिस्ट। तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम जो है वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होना चाहिए, और उसमें कि ह्यूमन जो है वो रैशनल बिहेव कर सके और मज़ीद सोच समझ की सलाहियत रख सके। इसलिए टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, उनको इनक्रेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम एक्सप्लोर कर सके, न्यू आइडियाज़ लेके आ सके। लेकिन इसमें जो है वो ये टीचर सेंटर फिलोसफी है, कीप इन माइंड ये टीचर सेंटर और टीचर ही ओरिएंटेड है, टीचर इसमें ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर हम स्टेजेस की बात करें एजुकेशन के अंदर, तो प्लेटो ने इसमें 6 स्टेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। नंबर 1 पे है चाइल्ड स्टे विद मदर्स फॉर मॉरल एजुकेशन, यानी फॉर होम पहले जो बेसिक आपकी एजुकेशन है, फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर वो एज वाइज उसकी डिस्टिंग्विश किया 0 to 6, फिर 7 to 17 जिसके अंदर आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हो। उसके अलावा फिर थर्ड स्टेज पे म्यूजिक एंड जिमनास्टिक है, फोर्थ स्टेज पे मैथमेटिकल ट्रेनिंग है, फिफ्थ स्टेज पे डायलेक्टिकल है, अल्टीमेट प्रिंसिपल्स, और 6 पे जो है वो आर ओवर इंट्रैक्शन विद पीपल, सोशल ऑफिसर में आप सोशल एजेंट बन जाते हो लास्ट स्टेज पे। रोल ऑफ टीचर जो है इसके अंदर है असिस्ट स्टूडेंट्स इन चूजिंग इंपॉर्टेंट मटीरियल, सर्व एज एग्जाम्पलरी मॉडल्स, यानी टीचर रोल मॉडल है, स्पिरिचुअल गाइड है, और सुप्रीम रोल है टीचर का। पर्पज ऑफ एजुकेशनल हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली टेल्स इंडिकेट्स एंड सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू कवर प्रीवियस एजुकेशनल फ्लॉज। ठीक है, जो उससे पहले एजुकेशनल फ्लॉज थे, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो कहते हैं कि इसकी ये एनालाइज करता है बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन कल्चर सिविलाइजेशन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न अप्रोचेज। ठीक है, तो सबसे पहले एक इन्होंने ह्यूमन कल्चर को कहते थे कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, कि वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन कल्टिवेट करना अपने कल्चर को और अपनी हेरिटेज को, ताकि प्रमोट किया जाए उनको आगे से आगे। एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये है टू स्टडी इवोल्यूशन इन ह्यूमन अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेज। इवोल्यूशन जितनी आई थी इनकलाब आए थे उसको स्टडी किया जाए, टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जितनी इनोवेटिव इनोवेशन हुई है एजुकेशन की फील्ड में उसको देखा जाए,
टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू सिक्योर रिलीजियस एंड प्राइम मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो एक ह्यूमन बींग के लिए इंडिविजुअल लेवल पे रिलीजियस परस्पेक्टिव को और उसकी मॉरल वैल्यूज़ को उसका प्राइम फोकस है एजुकेशन के अंदर। हम कभी कभी हिस्ट्री की बात करें इसमें, ठीक है, आइडियलिज्म की। क्रिटिक जो हुआ था इस आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पे, तो वो ये था द हाई कॉग्निटिव लेवल ऑफ एजुकेशन दैट आइडियलिस्ट प्रोमोट। ठीक है, कि कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं और बाकी जो है वो लेवल्स को जो है वो इग्नोर करती हैं। देयर कंसर्न्स फॉर सेफ गार्डिंग एंड प्रोमोटिंग कल्चरल लर्निंग, तो ये कल्चर को ही सिर्फ प्रमोट करने की बात करते हैं, हेरिटेज को। दे थिंक के द बेसिक एजुकेशन पर्पज इज टू प्रमोट हेरिटेज। दे ग्रेट कंसर्न फॉर मॉरलिटी एंड करेक्टर डिवेलपमेंट, यानी मॉरलिटी की बात करते हैं, मॉरल वैल्यू की बात करते हैं, करेक्टर फॉर्मेशन की बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमन बींग की। दे व्यू ऑफ द टीचर एज अ रिवर्ट पर्सन सेंट्रल टू द एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, यानी टीचर का जो रोल है वो सेंट्रल एजुकेशन प्रोसेस के गिर्द, टीचर जो है वो डोमिनेंट है, अथॉरिटेटिव है, बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करें, ओबे करें, रिस्पेक्ट करें टीचर का, स्टूडेंट का ये रोल है इसमें। दे बिलीव इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। They stress on the human and personal side of life, or their comprehensive, sympathetic and holistic approach. ठीक है, तो उस पर क्रिटिक हुआ था, जब एक स्कूल ऑफ थॉट पर क्रिटिक किया जाता था तो उसके बाद दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। दीज आर सम असेसमेंट क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।